नमस्कार मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं वो जब आपकी जेब में होता है तो आप राहत महसूस करते हैं, लेकिन हाँ अगर दिक्कत देने पर आ जाए तो आफत भी महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्रेडिट कार्ड सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो किस तरीके की परेशानी आप उठा सकते हैं, कहीं फ्रॉड हो जाए, क्रेडिट कार्ड खो जाए तो कहां पर जा सकते हैं, और खास तौर पर फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड से स्मार्ट शॉपिंग के तरीके क्या हैं, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज हम फौजी इनिशिएटिव्स के सीईओ कर्नल संजीव गोबिला। बहुत स्वागत है आपका, रिटायर्ड है अपनी सेवा से। संजीव जी आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के शो में। आज हम शो में क्या खास बात करने जा रहे हैं अपने दर्शकों को जरा वो भी बता दे। आज हम शो में खास तौर पर ये जानेंगे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो क्या करें, और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं। तो संजीव जी सबसे पहले यही हम जानना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड को अगर आसान भाषा में हम समझाएं लोगों को तो आखिरकार है क्या ये चीज। नमस्कार व्यूअर्स, आज का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्रेडिट कार्ड। हम सबकी जेब में है, हम इसको बहुत यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके फायदे अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। अधिकतर लोग इसके गलत चीज़ों की साइड में चले जाते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड को देखें वो क्या है, एक्चुअली इसको प्लास्टिक बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे आप चीज़ें खरीद सकते हैं बिना पैसे हुए। ये एक इसका इसका एक महत्वपूर्ण बात है जो क्रेडिट कार्ड को वो इतना मशहूर करती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये वो क्रेडिट कार्ड वो चीज़ है जिस पे अगर आप समय से नहीं देंगे अपने पैसे वापस तो आपको 36% से 40% तक ईयरली इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और अगर ठीक तरह से यूज़ करेंगे तो आपको बिना पैसे के आप यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ 20 से 50 दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाता है। ओके, तो मतलब क्रेडिट कार्ड क्या है, प्लास्टिक मनी कहा जाता है, मतलब बिल्कुल कैशलेस होकर आप तमाम अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बेफिक्र होकर आप जा सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कई नुकसान भी हैं जो अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। इस पर हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, और सब नुकसान नहीं होते क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के, उसके फायदे भी होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस्तेमाल ज़रा ध्यान से, क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करें, जब हम करते हैं तो ऐसे कौन से साथ में, जो राइडर्स हम कहते हैं ना संजीव जी, वो साथ में अपने आप जुड़ जाते हैं कि हम शायद बेफिक्र हो जाते हैं, चलिए जेब में क्रेडिट कार्ड तो है अभी खुलकर शॉपिंग कर ली जाए, और खासतौर पर फेस्टिव सीजन में तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया बहुत आसान है इसको यूज़ करना। आपको सिर्फ एक पासवर्ड OTP या इस तरह का पिन नंबर पता होना है। आप जो खर्च करना चाहते हैं आपकी लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हैं, और लिमिट भी बहुत ऊंची रहती है। आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं है उस पर जिस समय आप खर्च कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता। अब यही चीज़ जो है चाहे आपको आसान कर देती है ज़िंदगी को, लेकिन यही चीज़ अगर हम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के यूज़ करें तो आगे जाके मुश्किल कर सकती है। तो इसका जो ये होता है क्रेडिट कार्ड जो होता है, कई लोगों में मैंने देखा ये एक नशे की तरह भी हो जाता है। लगातार क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हर चीज़ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कभी कभी 100 रुपये से कम की चीज़ के लिए भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और ये ध्यान नहीं देते हैं कि क्या वो जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं उसको महीने के एंड में या जब भी बिल आएगा उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं। ये प्रॉब्लम वाला पार्ट है। तो इस बात का ध्यान लगाए बगैर कि आपका बजट कहीं ऊपर तो नहीं जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल करना, ऐसी आदतों से जरा बचकर, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय जैसा आपने कहा नशा हो जाता है, एक एडिक्शन हो जाता है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का, और भूल जाते हैं अरे भाई हमारे पास आगे आने वाली ज़रूरतों के लिए पैसे है भी कि नहीं है। तो इन बातों से ज़रा बचकर क्रेडिट कार्ड का संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पर त्योहारी सीज़न में। अब कैसी गलतियां हैं जिनसे बचने की ज़रूरत होती है, ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है संजीव जी, क्योंकि जब हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं हम भूल जाते हैं कि हाँ हम एक तरीके से कहीं कोई ऋण में तो नहीं फंस रहे हैं, कोई ऐसा ट्रैप तो नहीं जिसमें फंस रहे हैं। तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले इसको यूज़ करना बहुत आसान है। जब आसान यूज़ करना होता है तो कहीं पे हाथ ज़्यादा खुल जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है।
तो सबसे पहला इसकी इसका नुकसान ये है, अगर आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, आपकी आपकी लिमिट आपकी हैसियत से ऊपर खर्चा हो सकता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर गलती हो जाती है बहुत लोगों से, वो सोचते हैं भाई मुझे क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं जी मिनिमम आपने इतना पे करना है, तो हम उतना मिनिमम पे करने लग जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि जो कुछ भी मिनिमम पेमेंट बताया जा रहा है, जो जनरली आपका जितना भी बकाया होता है उसका 5% होता है, अगर आप वो 5% ही पे करेंगे या आधा ही पे करेंगे या कम पे करेंगे, बैलेंस जो पार्ट है उसके ऊपर आपको एक बहुत ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा पूरी मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटरेस्ट लग रहा है, 36 से 40% पर ईयर का इंटरेस्ट लग सकता है। ऐसे ही अगर आप देर से भुगतान करते हैं ये इंटरेस्ट आपको फेस करना पड़ सकता है, लेट पेमेंट चार्जेस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो अपनी पूरी लिमिट को यूज़ करूँगा बिना ये देखे हुए कि आप उसको पे कर सकते हैं कि नहीं। वो एक जो स्वाति जी बार बार कह रही हैं डेट ट्रैप, डेट ट्रैप मतलब डेट ट्रैप एक्चुअली होता है कि आप आगे जाके आपका इंटरेस्ट ही इतना बढ़ गया कि उस इंटरेस्ट के लिए फिर से आप एक और लोन ले रहे हैं, तो इसको डेट ट्रैप कहते हैं कि आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आगे चले जा रहे हैं। दूसरी फिर एक चीज़ और होती है, हम देखते नहीं है क्रेडिट कार्ड कौन सा हमारे लिए ठीक है। हम ज़्यादा हवाई जहाज में नहीं चलते हैं, हवाई सफ़र नहीं करते, लेकिन हम जो है जाकर के एक क्रेडिट कार्ड लेते रहते हैं जो एक एयरलाइन से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड होता है, या ज़्यादा हम फ्यूल नहीं खरीदते हैं, अपनी कार के अंदर ज़्यादा फ्यूल डालते नहीं हैं, लेकिन हम इंडियन ऑयल का जाकर के क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है। सो करेक्ट क्रेडिट कार्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है। हम कभी कभी जो है सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए अंधाधुंध खर्च करने लग जाते हैं, बहुत सारे कार्ड्स ले लेते हैं जिससे कहीं जाके हमारा सिबिल स्कोर, क्रेडिट कार्ड स्कोर जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। हम स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं देखते हैं, आगे ही स्टेटमेंट ठीक है जी रख दी गई अब, और उसको हम ध्यान से नहीं देखते कहीं गलत चार्ज तो नहीं हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, अगर खुदा ना खास्ता हमारा क्रेडिट कार्ड गुम जाता है या उसको चोरी हो जाता है, हम उसको इमिडिएटली रिपोर्ट नहीं करते। और आजकल तो इतने सारे बैंक हैं या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से फ़ोन करके कहते हैं कि हमारा कार्ड ले लीजिए, उसमें बहुत सारे हम प्रमोशनल ऑफर्स आपको दे रहे हैं, और ख़ासतौर पर त्योहारी सीज़न में तो और भी ज़्यादा ये लुभावने ऑफर्स होते हैं, तो शायद ये भी एक ट्रैप है जिससे दूर रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि डेट ट्रैप की आपने बात की, उसमें विस्तार से हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, फिर भी क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल का असर हमारी ज़िंदगी पर अलग अलग तरीके से, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी और फिजिकली किस तरीके से पड़ता है संजीव जी? कई लोगों को देखा है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उन पर बोझ आ जाता है कि वो पे करने लायक ही नहीं रहते। और ये केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं, कई केसेस देखे हैं, उनके लिए इतना इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है। ये क्यों इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है? एक तो जी पे नहीं कर पा रहे हैं, कैपेसिटी नहीं है, खर्चा बहुत कर लिया, खर्चा जो कर दिया है वो वापस तो कर नहीं सकते, तो उसको आगे लेकर के चलना है। डेट ट्रैप की जो मैंने बात की, लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट को पे करने के लिए, जो प्रिंसिपल है, जो असल अमाउंट जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो नहीं कम हो रहा है, इसी को जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। फिर कभी कभी ये चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब कर सकती है। क्रेडिट स्कोर को ख़राब करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर को वापस लाना बहुत ही मुश्किल और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। आगे जब आपको ज़रूरी लोन चाहिए होते हैं, घर के लिए चाहिए, गाड़ी के लिए चाहिए, किसी के लिए भी हो सकता है, ऐसा आदमी जिसने अपना क्रेडिट स्कोर ख़राब कर लिया उसको कभी लोन मिले ही ना। फिर लीगल केस हो सकता है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, जो बैंक आपको इश्यू कर रहा है, जो भी कंपनी इश्यू कर रही है, आपको लीगल केस में लेके चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। फिर जहाँ पे आपका इस तरह की चीज़ होती है, घर वाले भी देखने लगते हैं ये इररिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं छोड़ी जा सकती हैं, और पर्सनल लाइफ को भी ये चीज़ काफ़ी डैमेज कर देती है। मतलब इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से एक बोझ, तनाव आ जाता है जिसको दूर करना काफी मुश्किल हो जाता है। आपने क्रेडिट स्कोर की बात की, हम फेसबुक पर इस वक्त लाइव है, आपको बता दें काफी दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक दर्शक है जगदानंद साबता जी, ये कह रहे हैं कि इनका 400 है क्रेडिट स्कोर, क्या इनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? आपका सॉरी टू से, आपका बहुत लो स्कोर है। अधिकतर
एक्चुअली जो कंपनीज होती हैं वो कम से कम देखती हैं 650-670 का क्रेडिट स्कोर होना चाहिए. क्रेडिट स्कोर जो होता है आपका 100 से लेके 900 तक का क्रेडिट स्कोर होता है. 400 का क्रेडिट स्कोर काफ़ी नीचा है. आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये क्रेडिट स्कोर इतना नीचा क्यों है, और अगर वो फैक्टर्स अभी भी इस समय हैं आपको पूरी कोशिश करनी है इस क्रेडिट स्कोर को ठीक करने की. अमूमन तौर पे कंपनीज 700 के नीचे के क्रेडिट स्कोर पे एक क्रेडिट कार्ड नहीं देती है. ओके तो ये हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सवाल हमारे पास है, धीरे धीरे करके लेते भी रहेंगे. अब क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक असर होता है अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसका भुगतान नहीं किया, आपने उस पर डिफॉल्ट किया, डेट ट्रैप में फंसने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और सिबिल स्कोर आपका खराब हो जाता है, आगे आने वाली तमाम देनदारियों पर इसका असर होता है. लेकिन अब इस डेट ट्रैप से बचे कैसे? किसी ने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसके पेमेंट पर डिफॉल्ट कर दिया, कई लोग तो भूल भी जाते हैं उनका क्रेडिट कार्ड का बिल आया, उन्होंने चेक ही नहीं किया कि इतना सारा उन्हें पेमेंट करना है. उस समय तो अच्छे अच्छे खासी शॉपिंग कर ली, शादी की, त्यौहार की, लेकिन अब डेट ट्रैप में फंस गए. अब गलती तो हो गई, उसको सुधारा कैसे जाए? जब आप डेट ट्रैप में या उस तरह की कोई भी सिचुएशन में जा रहे हैं या जा चुके हैं, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो कुछ भी आपका आउटस्टैंडिंग है किसी भी तरीके से उसको हटाना है. बोरो कीजिए, किसी से पैसा उधार लीजिए, चाहे अपने घर वालों से ले रहे हैं, फ्रेंड से ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, सबसे पहले इस जो आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर ड्यूज है उसको हटाइए. क्यों? आपका एक तो खूब सारा ड्यूज है, उसके ऊपर 36-40% इंटरेस्ट लग रहा है. मतलब कि इतना हैवी इंटरेस्ट आपको साथ के साथ लगता जा रहा है. मैंने कई सारे केसेस देखे हैं, वो कहते हैं जी हम तो वापस करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है स्कोर, वहीं के वहीं पैसे खड़े हुए हैं. वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना ऊंचा लग गया है. तो किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसे अगर आप बोरो कर सकते हैं तो बोरो कर लीजिए. अगर आप इतनी ज़्यादा खराब स्टेट में अभी नहीं पहुँचे हैं तो कोशिश कीजिए कंपनी से बात करके अगर आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको EMI में बदल सकते हैं. अगर EMI में बदल सकते हैं प्लीज़ बदल लीजिए. मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप इसके लिए पर्सनल लोन लें और इसको क्लियर कर दें वो भी एक अच्छी चीज़ है. पर्सनल लोन आपको 12-14% पे मिल जाएगा, 15% पे मिल जाएगा, जबकि उसकी दुगने से भी ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड पर दे रहे हैं. संजीव जी, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? कोई ऐसे सेट रूल्स तो नहीं है, फिर भी डिसिप्लिन्ड वे क्या होना चाहिए जिससे किसी मुसीबत में ना फंस जाए? वाली बात मेरे से काफ़ी अच्छा राइम करती है. देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए. इस चीज़ को आप एक गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए. जितना आप महीने में पे कर सकते हैं बस उतना ही खर्चा कीजिए. लेकिन हम और पीछे जाते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड जब आप ले रहे हैं किस तरह का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए. जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अच्छी तरह से पहले तो रिसर्च कीजिए आपको किस तरह का क्रेडिट कार्ड चाहिए. क्या आप पेट्रोल ज़्यादा भरते हैं या आप ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं, आपको रिवॉर्ड्स ज़्यादा चाहिए, कैशबैक आपका बढ़िया में ज़्यादा आपका दिल रहता है, तो अच्छी तरह से रिसर्च करके क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए. एक चीज़ जो अधिकतर लोग नहीं समझते हैं वो ये होता है कि अगर आप ड्यू डेट के बियॉन्ड आपका कोई भी बैलेंस अगर रह जाता है तो आपका जो 20 से 50 दिन का क्रेडिट फ्री पीरियड होता है वो ख़त्म. इसका मतलब अगर आपने 1,000 रुपये देने थे, आपने 900 रुपये दिए, 100 रुपये बच गए और ड्यू डेट के बियॉन्ड हो गया, तो उसके बाद जो भी आप खर्चा कर रहे हैं आपका क्रेडिट फ्री पीरियड नहीं है अब अवेलेबल. ये चीज़ याद रखिए. दूसरी चीज़ है कि कभी भी आप मिनिमम बैलेंस पे कर दिया या फिर कार्ड्स को बिल्कुल मैक्स करके मैक्सिमम जो अलाउड है वही हर बार यूज़ करते गए जबकि आपकी कैपेसिटी नहीं है, ये सब मत करिए. ये करने से आप वही डेट ट्रैप या उसके आसपास घूमते रहेंगे. इसके बाद हम आते हैं कि याद रखिए कि आप ये जो क्रेडिट कार्ड होता है एक्चुअली आपका एक बहुत हाई, शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला एक लोन होता है जिसके अंदर कुछ दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन है बट उसके बाद वो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है. अगर आपके पास बैंक में पैसे नहीं है देने के तो क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज़ मत कीजिए. सिर्फ उतना ही यूज़ कीजिए जितने आप जेब में अपने वॉलेट में लेके चल रहे हैं अगर बैंक में पैसे नहीं है या आप एंड में नहीं दे सकते हैं.
क्रेडिट हिस्ट्री सबसे ज़्यादा जो खराब होती है वो क्रेडिट कार्ड से होती है, याद रखिए, और वो आपके सारी क्रेडिट के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को बड़े ध्यान से चलाइए। फिर बात आ जाती है सेफ्टी, किस तरह से आप जो है सेफ्टी रख सकते हैं। मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड गुम गया या आपका जो है क्रेडिट कार्ड किसी ने कुछ फ्रॉड कर दिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कैसे करना है, ये नंबर वगैरह आपके पास हमेशा रहने चाहिए। बिल्कुल, इनफैक्ट इसी पर हम अब आने वाले हैं कि कई लोग हैं जिनके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाता है। इनफैक्ट फेसबुक पर हमारे पास एक कॉलर जो एक व्यूअर हैं वो लाइव पूछ रहे हैं, तेजस जी, तेजस खानापुरकर, ये कह रहे हैं कि इनके क्रेडिट कार्ड पर गलत बिल चार्ज हो गया है, वो कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। कस्टमर केयर को बैंक के उन्होंने फोन किया, वो उनकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कई लोग संतुष्ट नहीं होते हैं जवाब से, तो ऐसे में अब क्या करें, तो इसको हम फ्रॉड ट्रांजैक्शन माने? फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो सकता है, बहुत छोटा सा चांस है, हो सकता है किसी और की ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट कार्ड पे डल गई है जो ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन अगर हम इसको फ्रॉड ही मान के चलते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा देना है। फिक्र मत कीजिए क्रेडिट कार्ड फिर से लाइव हो जाएगा, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपने ब्लॉक कराना है, पुलिस के अंदर इसकी रिपोर्ट देनी है, अपने जो बैंक या जिसने भी इशू किया है क्रेडिट कार्ड को उसको एकदम से आपने रिपोर्ट दे देनी है, क्योंकि इसमें आ जाता है RBI का रूल। RBI का रूल ये कहता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है और वो जो है आपकी वजह से नहीं है, वो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो अगर 3 दिन के अंदर अंदर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर 3 से 7 दिन के अंदर करते हैं, मान लीजिए किसी भी वजह से आप लेट हो गए, तो जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है आपके ऊपर सिर्फ वो आएगा, या RBI ने अपनी लिमिट्स लेट डाउन किया जो आप RBI की वेबसाइट पे बड़े आराम से देख सकते हैं, बस उतना चार्ज आपके ऊपर आएगा, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है सर, एक सवाल लेते हैं हमारे पास ईमेल पर आया है तनवीर आलम जी का। ये कह रहे हैं कि इन्होंने HSBC का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है, करते हैं अभी भी, लेकिन एक गलत ट्रांजैक्शन हो गया इनके कार्ड से, अब इन्हें पता नहीं कि कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ है भारी तो इन पर पड़ेगा, तो क्या फ्रॉड ट्रांजैक्शन इन्होंने नहीं किया है, इनकी ट्रांजैक्शन मजबूरन इन्हें करनी पड़ेगी, और अगर शिकायत करनी है तो कहाँ पर जाकर शिकायत करें? बिल्कुल साफ है, जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड की जो कस्टमर केयर है उस पर इमिडिएटली फ़ोन करके और वहाँ पे ब्लॉक कर देना है उसको कार्ड को, और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट डाल देनी है, वो आपका सबसे पहला पॉइंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है अगर, तो आप पुलिस के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो RBI के रूल्स के हिसाब से आपका जो कुछ भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बैंक ने 90 दिन के अंदर अंदर सॉर्ट आउट करना है, 90 डेज। अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो फिर आप बैंक का ओम्बड्समैन है उसके पास जा सकते हैं, और उसके बियॉन्ड RBI का ओम्बड्समैन भी इस चीज़ को एंटरटेन करते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। और मैं आपको अपने एक पर्सनल वो बताना चाहूँगा कि अधिकतर केसेस के अंदर RBI या जो भी ओम्बड्समैन होता है, चाहे वे बैंक का ही हो, वो कस्टमर की साइड अमूमन तौर पे लेने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पर ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करें, क्या तरीके हैं इस्तेमाल करने के, और अगर गलत इस्तेमाल किया तो क्या पेनल्टी लग सकती है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इसके फ़ायदे अगर हम गिनाएं तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जितना आसान है यूज़ करना उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, ये आपका एक एकदम से इमरजेंसी फंड है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई या किसी वजह से आपको एकदम से ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये आपके पास रेडीली है, चाहे आपके पास बैंक में पैसे हैं या नहीं है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल का इमरजेंसी फंड है। अगर आप ठीक तरीके से डिसिप्लिन तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत बहुत फ़ायदे दे सकता है, जिसके अंदर आपको एक 20 to 50 days मतलब हम करीब करीब 2 महीने की बात कर रहे हैं, आपके पास 20 to 50 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट ऑफिशियली अवेलेबल है।
सो आप और अगर आप इसको ठीक तरीके से यूज़ करें आपको बहुत ज़बरदस्त बार्गेन्स मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया डील्स मिल सकती हैं। फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, आप इनको बड़े अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने करेक्ट क्रेडिट कार्ड लिया है तो अच्छे आपको कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड पर लोन भी मिल सकता है? कार्ड पर लोन तो क्रेडिट कार्ड जो है अपने खुद ही एक लोन की तरह होता है, उसके अंदर आपको उसके ऊपर लोन कोई नहीं मिलता है। ओके और इनफैक्ट कई लोग यही पूछ रहे हैं कि फ्रॉड अगर हो जाए और एक जो तय निर्धारित समय है उसके समय तक अगर नहीं बैंक उनके बात पर कोई भी कार्रवाई करे तो कितने समय तक उनकी शिकायत का निपटारा हो सकता है? क्या बैंक जो ओम्बुड्समन है, लोकपाल है, उसके पास जाना ही एकमात्र तरीका बच जाता है? और कितना आसान है ये? बहुत आसान है। आप किसी भी अगर बैंक में जाएंगे या उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ओम्बुड्समन का नाम एज पर आरबीआई गाइडलाइंस बड़ी क्लियरली हर जगह नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल वगैरह बड़ी इजीली सब जगह मिल जाता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, और कुछ नहीं हो तो गूगल ही कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाता है। इसी तरीके से आरबीआई का जो नेक्स्ट लेवल होता है, आरबीआई का ओम्बुड्समन, आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं, खासकर अगर आप ईमेल वगैरह को यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रॉड से बचने के क्या तरीके हैं? अगर मैं सिर्फ तीन आपसे पूछूं अंत में। सबसे पहले आपका जो क्रेडिट कार्ड है आप उसको फिजिकली अपनी कस्टडी में रखिए, कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हैं, अपनी आँखों से ओझल मत होने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजिली क्लोन हो जाता है, इसकी कॉपी बन जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका पिन या पासवर्ड जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आप इसको एक बहुत बहुत कॉमन पासवर्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ या वो जो जो कुछ भी आपकी ईमेल वगैरह सब जगह जो पासवर्ड की वो होती होते वो उस तरह की चीज़ आप बड़े आराम से उस तरह से आपको इसमें कंट्रोल रखना। और कोशिश कीजिए हर 3 महीने 4 महीने में पासवर्ड को चेंज करते जाएं। और तीसरी चीज़ है, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है, बिना सबसे पहली चीज़ कार्ड को ब्लॉक कीजिए और इमिडिएटली अपने इश्यूअर को, अगर वो बैंक है या जो भी है, उसको इन्फॉर्म कीजिए। तीन चीज़ अगर आप करेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए मुसीबत के बजाय एक बहुत अच्छा साथी बनेगा। चलिए तो इस त्योहारी सीजन में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़रा ध्यान से। और बहुत शुक्रिया संजीव जी क्रेडिट कार्ड की बारीकियों को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।